विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली गाइस। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और आई होप आप सबका दिन आज अच्छा होने वाला है। और मुझे तो पूरा उम्मीद है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है। पीछे गाड़ियों का शोर सराबा, ढोला गाड़ी बज रहे हैं, बाहर मेहमान भी आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा दिन होने वाला है। और अभी मैं फ्रेश व्रेश होकर आपको पहले मेरे घर का रिव्यू करवाऊंगा, फिर मार्केट जाऊंगा, पटाखे वगैरह लाना है, मकान की सजावट करनी है, दिए जलाने, शाम को बहुत सारे काम, मिठाइयाँ वगैरह कल बनाई ली थी हमने, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला गाइस, तो बने रहे पूरे ब्लॉग में। और सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत में आपके चाय के साथ कर लेता हूँ, तो बिल्कुल बने रहे ब्लॉग के एंड तक। सो गाइस, अभी मैं आपको अपने मकान का जो अपना जो घर है उसका रिव्यू कराता हूँ मैं। तो चलते हैं, मैंने किस प्रकार सजावट की है और कहाँ लक्ष्मी पूजन हुआ, कहाँ बैठक है, कहाँ बैठना है, तो जो मेहमान आते हैं उनको कहाँ बिठाना है, क्या खाने में है, क्या मिठाइयों में है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं मकान के रिव्यू पे, तो देखते हैं मकान। शुरुआत में अपने रूम से करूँगा, तो मेरा रूम ये है, तो वहाँ मेरे फोटोज़ लगे, गुलदस्ते लगे, या बूफर का दो सेट है, स्पीकर है, वहाँ पर मेरे कुछ किताबें बुक्स वगैरह हैं, और नीचे ऐसे कुछ है, और ये नीचे वाली अलमारी है, इधर मेरा पर्दा लगा है, और इधर भी पर्दा है, बीच में बोर्ड है, और ये फिर अलमारी है, यहाँ पे मम्मी पापा की फ़ोटो लगी है, ये मकान है, ये गुलदस्ते वगैरह हैं, ये एक नोटबुक है, और ये लव यू करके कुछ इसमें गुलाब है, और ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं सिंगल बेड पे सोता हूँ, और ये फिर बोर्ड है, ये फिर पर्दा है, ये पर्दा है, ये गेट है, और यहाँ पे मैं गाइस अपना वीडियोस बनाता हूँ, जो मैं शूट करता हूँ वीडियो मैं यहाँ करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ से ये कील गाड़ा हुआ है इसमें, और यहाँ भी मैंने कील गाड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे ब्लैक पर्दा लगाता हूँ, और ये मेरा रिंग लाइट है, जो कि ये 7 फुट का है, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, अरे बहुत अच्छा रिंग लाइट है। और जिस टेबल पर मैं बैठता हूँ वो टेबल ये है, और ये मेरे जो मैंने रात को जो ड्रेस पहना था, कुर्ता पैजामा, ये वो है, और देन उसके बाद ये अलमारी है, तो ये अलमारी में गाइस काफ़ी सारे कपड़े हैं, जैसे मैं कल बहुत कंफ्यूज भी होता कि कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं, तो 7-8 ड्रेस तो मैंने यूँ चेक ही किया था कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। एक बार दिखा देता मैं आपको, ऊपर से नीचे तक पूरा मेरा सारा कपड़ा है, इधर भी मेरे सारे कपड़े हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ था मेरे को। तो अब चलते हैं, मैं गैलरी में आता हूँ, तो ये मेरी गैलरी है, मेन गेट होता है हमारा, ये मेन गेट है हमारा, और ये हमारा हॉल है, यहाँ से दरी बिछी है, वो सामने भाई का रूम है, वो ऐसे स्टोर रूम है, गेस्ट रूम है, वहाँ से बिठाते हैं, और ये हमारा सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाती है सीढ़ियाँ, और ये सीढ़ियाँ वहाँ से वॉशरूम वगैरह है, वो बाहर का गेट है, तो ये सीढ़ियाँ यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ ये लक्ष्मी पूजन हुई हमारी, यहाँ मम्मी पापा का रूम है ये, तो इस रूम में मम्मी पापा रहते हैं, तो ये मेरे मम्मी पापा का रूम है। देखिए गाइस, ये मम्मी पापा का रूम है मेरा, सामने अलमारी वगैरह में है, और यहाँ हमने लक्ष्मी पूजन की थी रात को, तो ये लक्ष्मी पूजन हमारी, और अभी मैं आपको गेस्ट रूम में ले चलता हूँ। गेस्ट रूम में आपको मिठाई, गज्जू ले, गज्जू ले, अड़ी आ रहा गज्जू, गज्जू अड़ी आ, दो ही फोटो ले, अरे मैं फोटो ले रहा था, अड़ी अड़ी दिखे ही कौन है यार, गेस्ट रूम है हमारा, गेस्ट रूम, हम तो गेस्ट रूम में, यहाँ पर कुर्सियाँ वगैरह बड़ी, मेहमान आएंगे तो बैठे गए, पापा बैठे हैं, ये वैसे किराए पे दे रखा है, रेंट पे रहता था, अभी कोई रेंट रेंट पे नहीं है, कोई खाली है, यहाँ हमारे पास पानी पीने का है, और यहाँ पर हमारा किचन हॉल के अंदर ही है, ये मेरा भाई का रूम है सामने, तो उसका भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो देन उसके पहले आपको, तो मैं आपको अपने मेरे भाई का रूम है, और ये मेरे भाई का रूम है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा भाई का रूम है, जो भी उधर खाने पीने की चीज़ें हैं वो इधर बना के रखी है, और ये मेरी सारी बुक्स है जितने मैंने पढ़ी है, ये मेरे भाई का रूम है, ये बेड है, वो जो भी उनका सजावट का सामान है, और ऊपर जो भी उतना लाया वगैरह है, ये माँ लक्ष्मी की तस्वीर, माँ सरस्वती की तस्वीर है, कपड़े टंगे हुए हैं कुछ, और मैं आपको अपना छत का रिव्यू करा देता हूँ, ये आया इधर से, ये हमारा बाहर का लोकेशन है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, सामने भी मकान है, उनके भी काफ़ी अच्छी सजावट कर रही है उन लोगों ने, और ये सामने ये भी उन्हीं का है, लेकिन ये किराए पर दे रखा उन्होंने, और उधर भी सामने जो मकान है उन्होंने भी काफ़ी अच्छे सजावट की तरह, तो एक बार दिखा देता हूँ, चलता हूँ।
छत आ गया हमारा। और तो ये उधर में बीच में जो मकान है वो मेरे मामा जी का है, और ये हमारे इधर का कुछ रिव्यू है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा ऊपर का छत का है, ये पूरा इधर, ये हमारी पूरी कॉलोनी है गाइस। तो आपको पूरा रिव्यू मैं करा देता हूँ। ये हमारी कॉलोनी है, उधर से ये दिखता है दिख रहा होगा गाइस आपको सारा कुछ। ये हमारी कॉलोनी है और ये बसंत नगर है जो केकड़ी अजमेर में आता है, राजस्थान में आता है। तो ये है, मैंने अपना मकान का रिव्यू कराया आपको, तो दिख रहा होगा आपको गाइस। ये हमारे घर के बाहर पौधा भी है, ये वो हमारी गाड़ियाँ खड़ी है भी बाहर। ये हमारे घर के बाहर पौधा है, दिख रहा होगा। और मैं वापस से अपने नीचे चला जाता हूँ, तो दिख रहा होगा गाइस आपको। आगे मकान है लेकिन बीच में एक खेत है, तो किस खेत के आगे मकान बने हुए काफ़ी सारे, बस ये खेत ही है गाइस। इधर बहुत महंगे महंगे प्लॉट हैं, एक प्लॉट की लगभग कीमत है 25 से 30 लाख होती है। हमारे जो जस्ट पीछे मकान है, पीछे जो प्लॉट है उसकी कीमत गाइस 28 लाख है। तो उस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे इधर जो प्लॉट की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। सो गाइस अभी मैं रेडी हूँ, और अभी मैं बिल्कुल कपड़े वगैरह पहन लिया मैंने, जो दिन में पहनने का है वो मैंने पहना है। और अभी मैं मार्केट का रिव्यू करने के लिए निकलूंगा, तो वहाँ से मैं कुछ पटाखे वगैरह लेके आऊँगा, मिठाई वगैरह या गन्ना वगैरह लेके आना, तो उसका मैं पूरा रिव्यू करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं मार्केट में। ये मेरे गोले निकाल के रिवे लेकिन फेंकी है मार्केट में। अभी मैं जो अपने मकान जो हॉल है, हॉल में के अंदर ये रंगोली लगाने वाला हूँ, जो डायरेक्ट रेडीमेड लेके आया था मैं ये रंगोली लगाने वाला हूँ। चलते हैं आते हैं। ये इस प्रकार हो गई रंगोली, ये रेडीमेड रंगोली है। और एक है जो यहाँ पे लक्ष्मी पूजन करते हैं हमारे, तो यहाँ पे भी मैं लक्ष्मी जी का जो कुमकुम पग होता है वो उसका भी रंगोली लाया है रेडीमेड, तो वो भी यहाँ लगाएंगे, तो वो भी देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे लक्ष्मी पूजन होता है, तो यहाँ पे जो ये पाँव होता है, ये पाँव का स्पेशल लाया था अलग से, तो ये लक्ष्मी जी के यहाँ पे मैंने छापा है। तो एक और है वो भी लगा देता हूँ, वो मेरे भाई के रूम का है तो मैं उसमें लगाता हूँ। वो ये है तो वो मेरे भाई के रूम में लगाता हूँ, मेरे भाई के रूम है तो मेरे भाई के रूम में ये लगा देता हूँ। तो मैं स्टार्ट होता हूँ। ये देखिए गाइस, ये भी मेरे भाई का रूम में मैंने लगा दिया है। मेरे आपको भाई का रूम एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो लगभग सभी काम पूरे लगभग है पूरे कर चुका हूँ, और अभी जो कुछ काम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो दीपक है उनमें जो जलाने से पहले, जो नए दीपक होते हैं वो जलाने से पहले उनमें पानी डालना होता है ताकि वो अच्छे से, तो उसमें तेल डालते हैं वो अच्छे से सोख ले, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पानी मैंने पहले भर दिया था, तो अभी उन पानी को निकालना है, और उसको जो टिप टिप है वो झरना जो है वो निकालना है, जो सारा पानी सोख लिया है उसको बाहर निकालना है, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। सोना दीपक है और इन दीपकों में डाल दिया। Thank you.
आज बहुत चलने वाला गाइस, मेरा कर दिया बहुत अच्छा और मुझे उम्मीद है आपका भी चलना होगा। साल में की बार से दोबारा ऐसा था एंड्रॉइड तो हिंदी और दीपक से पानी निकालता हूं ताकि ज्यादा आज का बहुत चलने वाला है। और एक बात है, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर फॉलो नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे आगे बढ़ाएं। और आपका तरफ से मेरा और लक्ष्मण पूजन वाला दीपक है, पूरा रात इसी में दीपक जलता है। लक्ष्मी जी की जो आरती होती है वो पूजन वूजन करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पूजन किस प्रकार कर रहे हैं। तो फिर करते हैं, चलते हैं, दिखाता हूँ मैं। ॐ जय लक्ष्मी माता, ॐ जय लक्ष्मी माता। और अभी आरती वगैरह हो चुकी है तो फटाके फटाके फोड़ते हैं, फिर दोस्त संग जाते हैं बाहर, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलते फोड़ते फटाके। अशांत कहाँ चढ़ा रहे तू, मैं तो उल्टू चढ़ा। देखो
उन्हें भी तो दे ना, अरे उन्हें सुमन ने भी तो दे अच्छा गाद में लगेगी यामू चाहता है यामू अरे यामू चाहता है धोनी तो बनाना वीडियो बनाना कटे ना जाओ तो अरे कटे ना जाओ के बार छेड़ियों दो घंटे मिनट को ना कर दी जलाना चाहिए छोरिया और बढ़िया एक और अंशु गुल्लू खत्म हो गया था क्या पकड़ 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 अरे और पड़ी सुन अंदर और पड़ी है ये गोल करना गोल करना रोटी को बंदर चला हाँ चल जा चल जा चल जा चला 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 गोरी रहेगी गोरी रहेगी गोरी इसको नाले में नहीं नहीं आ तो आधी चली आ तो आधी चली और चल जाए और चल जाए अरे मारो पर मत देख